द्वापर युग में छोटे भाई को सिंहासन मिला, जिसके बाद महाभारत हो गया। बड़े भाई को गुस्सा आया, बड़े भाई को गद्दी नसीब नहीं हुई। तो ये तो कलयुग है, अगर द्वापर युग में ऐसी घटना हुई तो कलयुग में तो होना लाजमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव पर। कल बिहार सदन का आखिरी दिन था, इस कार्यवाही के दौरान लालू परिवार वहां मौजूद था, मगर तेज प्रताप यादव कल एकाएक वहां पहुंचे, मगर उनके वहां से जाने के 5 मिनट बाद उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव सदन में पहुंचे। जब तेज प्रताप यादव सदन में मौजूद थे उस वक्त वहां उनकी माता भी मौजूद थी, मगर तेज प्रताप यादव अपनी माँ की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखे। उन्होंने अपनी माँ से बात नहीं की, मुलाकात नहीं की। साफ साबित करता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और जो परिवार है उनका, इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेज प्रताप यादव अपने परिवार से भी खुश नहीं है। जहाँ एक तरफ अपनी पत्नी को वो तलाक दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। दूरी बनाने के बहुत सारे कारण हैं, मगर एक जो मुख्य कारण है जो अपने मुँह से उन्होंने कहा है कि भैया उनके परिवार ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसे समय में जब उनका साथ देना चाहिए, उनका परिवार उन्हें ज़बरदस्ती इस कुएँ में ढकेल रहा है, यानी कि शादी बरकरार रखने के लिए उन्हें प्रेशर डाला जा रहा है घर से। इतना ही नहीं है, नीरज कुमार जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये पूरी घटना महाभारत काल से जोड़ दी है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से अर्जुन के साथ अन्याय हुआ था। अर्जुन के छोटे भाई को मौका दिया गया था सिंहासन पर बैठने का, जिसकी वजह से पूरा महाभारत हो गया। तो वो तो द्वापर युग था, तो आज क्यों ना ऐसा हो। लालू परिवार ने तेजस्वी यादव को आगे किया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। वहीं तेज प्रताप को स्वास्थ्य विभाग मिला था, एक दो और विभाग मिले थे, मगर उनका कद अगर देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव से काफ़ी कम था। वहीं जब सरकार गिरी तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने, जबकि तेज प्रताप यादव को राजनीति में वो कद नहीं मिला। हालांकि बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव लगातार अपना जगह खुद बनाते रहे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये भी कहा कि मैं बिहार की राजनीति में और मीडिया की सुर्खियों में बने रहना जानता हूँ। इसके बाद उनकी शादी हुई और शादी के 6 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक के बहुत सारे कारण उन्होंने दिए, मगर एक जो मुख्य कारण दिया वो ये था कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। इतना ही नहीं, अब इस घटना पर जदयू चुटकी ले रहा है। जदयू इस घटना को, इस तेज प्रताप यादव के अपने परिवार के खिलाफ जाने की घटना को महाभारत काल से जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि जब छोटे को राजगद्दी दी जाएगी तो बड़ा दुखी होगा ही होगा। जब भी कोई बड़ी घटना या बड़ा खबर बिहार से आता है, हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर। धन्यवाद।